जो दूसरों का बुरा चाहते हैं स्वयं उनका बुरा हो जाता है। मेरे पुत्र को मारने चले थे दैत्य गुरु, एक क्षण को भी ये ध्यान नहीं आया कि वो भी किसी माँ का पुत्र है। अब अपने पुत्र मारे गए तो कैसा विलाप कर रहे हैं दैत्य गुरु। सिंहिका की भांति दैत्य गुरु भी अपने दुख को केवल दुख समझते हैं। उनके लिए दूसरों का दुख केवल परिहास की सामग्री होता है। आप सत्य कह रही हैं महादेवी, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। दैत्य गुरु को अपने तंत्र मंत्र पे बड़ा विश्वास था, समझ रहे थे कि उनके तंत्र मंत्र से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। यह उनका भ्रम है महादेवी, उनका भ्रम है। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बाका कर सकती। हे महादेवी, जिस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देख ये भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती हैं। सत्य है सर्वेश्वर, आप जो कह रहे हैं उसका एक एक अक्षर सत्य है।